कुरान का जो फलसफा है उसको रिपेल कैसे करते हैं जो लिटरेचर पे फलसफा है? देखिए हमने लिटरेचर एक किताब में पढ़ी है पैराडाइज लॉस्ट, उसमें एडम और ईव का पूरा एक किस्सा है जो 11 किताबों की शक्ल में है, लेकिन कुरान मजीद में उसका जो मतलब कुछ मेरे ख्याल में एक दो बारों में या तीन जगह में जिक्र है इसका। तो ये उससे वो पैराडाइज लॉस्ट वाला फलसफा और कुरान वाला फलसफा, ये आपको मैंने एक दफ़ा बताई भी थी ये बात कि उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो नहीं होनी चाहिए, लेकिन उस भी उसके रिपल्शन में कोई चीज़ नहीं आ रही। अभी इस वक्त दुनिया में जो आप मुल्क के हालात की बात कर लें, अब दिन रात क्या सुनते हैं, क्या सुनते हैं कि जी सहूलतकारों ने यूं किया था तो उसको इलेक्शन जितवा दिए थे, इतने हलके खुलवाए थे तो इतने खोलने थे तो इस वजह से हम इतनी सीटें हार गए, तो उसके बाद इतने अरब खरब डॉलर वहाँ से आने थे वो इसके जलसे की वजह से नहीं आ सके, उसकी वजारत की वजह से नहीं आ सके, लिहाजा हुआ ये हुकूमत इसकी आनी थी, आ उसकी गई, उसने लानी थी, जोर सहूलतकारों ने दे दिया, पैसे इधर से आने थे उधर चले गए, 160 से 255 260 पे डॉलर पहुंच गया और प्याज कितने का हो गया 280 का। ठीक, क्या समझ आई? क्या समझ आई? मैंने तो आपको आज के हालात बताए, कुछ समझ आई है? ये इतना मैं अभी थोड़ा सा और आगे चलूँ ना, जो आप दिन में एक दिन में खबरों में आराम से ये बातें सुन लेते हैं, थोड़ा सा और आगे चलूँ ना, पाँच मिनट भी मैं ये सिर्फ बात करूँ ना तो आप कहेंगे तो जरदारी की वजह से ये हुआ, नवाज शरीफ की वजह से ये हुआ, इमरान खान की वजह से ये हुआ और सहूलतकारों की वजह से ये हुआ, ब्यूरोक्रेसी की वजह से ये हुआ, तो आपको लगेगा कि बस सब ना ये यूं करके मुँह हो रहा है, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? इस जितनी बातें मैंने ली उसमें आप क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते ना सहूलतकारों को आप छेड़ सकते हैं, ना जरदारी को कुछ कह सकते हैं, ना इमरान खान को हटा सकते हैं, ना नवाज शरीफ का कोई मसला। मैं जानबूझ के आपका ये जवाब आपके लेवल का अनफॉर्चुनेटली सबको सुनना पड़ रहा है, क्योंकि आपको कॉम्प्लेक्स चीज़ें सुनने की आदत है ना वो फलसफे वालों के लिए यही मसला होता है ना। तो हुआ ये कि आपने ये सीख लिया कि जी कुछ भी नहीं हो सकता, सब गलत है, लेकिन अल्लाह ताला कुरान में एक लाइन में कह देता है, ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا, अल्लाह अपने अर्श से ऐलान फरमा रहा है कि जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा, मेरी नाफरमानी करेगा, मेरी गुस्ताखी करेगा, मेरी बात नहीं मानेगा, मेरी हुकूमतदली करेगा, डॉलर गिरा दूंगा, डॉलर बढ़ा दूंगा, रुपया गिरा दूंगा, सोना महंगा कर दूंगा, प्याज महंगा कर दूंगा, पेट्रोल नहीं मिलेगा, CNG नहीं मिलेगी, गैस नहीं मिलेगी, बिजली बंद कर दूंगा। कुरान में अल्लाह ने कह दिया क्या हुआ है? समझ आई? इतना झूठ बोलो और इतना मटेरियली चीज़ों को प्रेजेंट करो कि आपको सच पता ही ना चले क्या था क्या नहीं था। आप अगर एक दिन खबरें सुन लें ना, आपको मैं रात क्या मैं एक महीना भी लगा दूँ ना कि अल्लाह ताला ये कह रहा है कि फ़कुल तस्तग़फ़िरु रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलु समा अलैकुम मिद्रारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम अनहारा, कि सिर्फ इस्तग़फ़ार कर लो, मैं तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दूंगा, तुम्हें माल दूंगा, माल का वर्ड यूज़ किया अल्लाह ताला ने, तुम्हें औलाद दूंगा, तुम्हें फौज दूंगा, तुम्हें फोर्स दूंगा, क्या याद करोगे नहरें बहा दूंगा। आप एक दिन खबरें पूरा दिन आपने लाइव खबरें सुननी है, ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक महीना लगा लूँ क्या एक साल लगा लूँ, मैं आपको ये नहीं समझा सकूँगा बात। समझ आई? झूठ इतना बोलो कि वो सच लगने लगे और कॉम्प्लेक्स कर दो इतना चीज़ों को कि सादा और आसान बात समझ में ही ना आए। यही मामला है उस फलसफे और लिटरेचर का जो आप जिसकी आप बात कर रहे हैं कि यूं हुआ था तो वूँ हुआ था, उसकी दलील क्या है? सोच है, एक थीम है, नॉवेल्स हैं, अफसानवी बातें हैं। हक सिर्फ वो है कि जो बनाने बुनियादी बात आपने समझ ली कि बनाने वाला एक है, मान लिया ना बनाने वाला एक है, सब कुछ उसने बनाया, वो सच्चा है, वो पाक है तमाम लग्जिशों से, जो वो कहता है वो हक होती है, उसके अलावा हर बात बातिल होती है। तो जब उसने कह दिया कि ये मामला ऐसे है तो हमारे लिए वो है, बाकी तमाम बातें हमारे लिए बातें हैं। मोटी बात समझा रहा हूँ, तो यही मामला है ये जो आप बता रहे हैं ना
जो मटेरियल पर्सपेक्टिव से लिटरेचर और फिलॉसफी लिखी गई है, ये नाउज़ुबिल्ला अल्लाह ताला का जो निज़ाम है, अल्लाह ताला का हुक्म है, अल्लाह ताला की तरफ से इंतहाई सादा और आसान दीन है, उसको कम्प्लेक्स करने के लिए आपको अब इतनी सोचें आ गई हैं ना कि वो एक जुमले में वो ख़त्म होती हैं, क्योंकि अल्लाह ने कह दिया, बात ख़त्म हो गई। अगर आप किसी भी गैर मुस्लिम के साथ बैठे, कोई आम मुसलमान या कोई भी फ़लसफ़ा पढ़ने वाला भी या कोई भी बैठे ना, तो गैर मुस्लिम आपको पता है वो उनके होते हैं बड़े दलाइल देने वाले और बड़ी उन्होंने चीज़ें सोच के रखी हुई होती हैं, तो आप YouTube पे कभी उनका वो सुने तो आप हैरान रह जाएंगे कि मतलब वो ऐसी ऐसी लॉजिक देते हैं कि इंसान परेशान हो जाता है कि ये क्या बात कर दी इसने। तो शैतान का काम ये है कि अल्लाह के ख़िलाफ़ हर दलील लाना, और ईमान इसका नाम है कि अव्वल तो दलील की नौबत ही ना आए, दिल से इंसान माने। लेकिन मोमिन को पता होना चाहिए, चाहे शैतान इबलीस काफिर हर दलील तोड़ दे, मोमिन ये कहने वाला हो कि मैं बग़ैर दलील को अल्लाह को कि अल्लाह को मानता हूँ, ये ईमान है। और यही मामला उस फ़लसफ़े का भी है कि अब वो जितनी मर्ज़ी कॉम्प्लेक्सिटी लाते रहें, वो सब नेगेटिव है, सिर्फ़ एक मल्टीप्लाइड बाई ज़ीरो। जब अल्लाह ताला का हुक्म आ गया, उसके सामने सिर्फ अल्लाह ताला की बात है, क्योंकि हमने मान लिया कि अल्लाह ही खालिक मालिक राज़िक है, वही हक है, वो सच है, उसके अलावा सब बात है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी जो क्लिप आपने देखा है, ये हमारी एक नया इनिशिएटिव है अवैस नसीर एकेडमी का, उसके अंदर रेगुलर क्लासेस हो रही हैं, उसमें से आपने ये क्लिप देखा है, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अवैस नसीर एकेडमी पे जाएं और फुल कोर्स लें और पूरा टॉपिक डिटेल के साथ समझें। उसके अंदर क्विजेज वगैरह भी मौजूद हैं, सेल्फ पेस्ड लर्निंग है, आप जब चाहें क्लास ले सकते हैं और अपनी पेस के ऊपर अपनी स्पीड के साथ आप जो डिटेल्ड लेक्चर्स हैं उनको लें और इस टॉपिक को पूरा डिटेल में समझें, ताकि दीन का सही फहम आपको आ सके। आपने जाना है awaisnaseer.com/academy के ऊपर, awaisnaseer.com/academy, यहाँ पे आप जाएं, यहाँ पर कोर्सेज सारे पड़े हुए हैं। और ये जो कोर्सेज हैं ये बिल्कुल फ्री हैं, इनकी कोई कॉस्ट नहीं है। इनको कोर्सेज की फॉर्म में पब्लिश करने का मकसद ये है कि जो लोग अल्लाह ताला ने जो हमसे खिताब फरमाया है, जो चीज़ें हमें बयान फरमाई हैं और जो चीज़ें हमें सीखनी चाहिए, उनको एक डिटेल्ड ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रेजेंट किया जा सके और आप एक पूरे टॉपिक को डिटेल के साथ समझ सकें, इसलिए इनको कोर्सेज के फॉर्म में पब्लिश किया गया है। अदरवाइज़ सारा कंटेंट बिल्कुल फ्री है। उम्मीद करता हूँ आपसे मुलाकात होगी अवैस नसीर अकेडमी पर।